हेलो बच्चों, एक बार पुनः आपकी मेरी कक्षा में स्वागत। बच्चों, जैसा कि आजकल हम पढ़ रहे हैं संहिता, और संहिता में आज मैं पढ़ाने वाला हूं स्टोक्स का नियम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से बराबर ये प्रश्न पत्रों में पूछा जाता है। तो स्टोक्स ने किस तरीके से अपने नियम को सत्यापित किया? स्टोक्स ने कहा कि जब किसी वस्तु को किसी सयान माध्यम में, सयान माध्यम आपका द्रव्य हो सकता है और गैस भी हो सकता है, उसको जब किसी वस्तु को सयान माध्यम में गिराया, ठीक है, तो गिराने पर जो द्रव का जो ऊपरी परत है वो ऊपरी परत क्या हो जाती है, नीचे की ओर दब जाती है, जिसके कारण द्रव के विभिन्न परतों के बीच अपेक्षित गति हो जाती है, और अपेक्षित गति होने के परिणाम फलस्वरूप उस वस्तु, जो वस्तु गिराई गई सयान माध्यम में, उस वस्तु पर द्रव के नीचे से एक बल काम कर रहा है जो उस वस्तु को अवमंदित कर देता है, वो कहलाता है सयान बल। और उस बल को निकालने के लिए स्टोक्स ने सयान माध्यम में छोटी गोलाकार वस्तुओं को गति करवा करके कई प्रयोग करे, और प्रयोग करने के फलस्वरूप निष्कर्ष निकाला कि जो सयान माध्यम में और जिसका जो संहिता गुणांक होता है वो एटा है, उस माध्यम में जब छोटी वस्तुओं को गिराया गया तो गिराने के फलस्वरूप क्या होता है, यदि उन वस्तुओं की त्रिज्या जो छोटी गोलाकार वस्तुएं हैं, वही गोलाकार वस्तुओं को, माना ही सपोज गोलाकार वस्तु है और ये कोई सयान माध्यम है जैसे द्रव, जब इस वस्तु को यहां पर गिराया सयान माध्यम में, तो द्रव की जो ऊपरी परत है ये यहां पर जैसे ही आई तो ऊपरी परत क्या होगी, नीचे पर, नीचे की ओर यहां पर जो है, जैसे ही बॉल आई नीचे, ठीक है, ये छोटी गोलाकार वस्तु जिसकी त्रिज्या क्या है आर है, ठीक है, और सयानता जो गुणांक है ये सयान माध्यम का वो एटा है, जैसे ही ये यहां पे पहुंची तो यहां पर जो द्रव का ऊपरी परत है वो नीचे क्या हुई, दब गई, जिसके कारण द्रव की जो विभिन्न परतें हैं उन परतों में अपेक्षित गति हो गई, और अपेक्षित गति के फलस्वरूप यहां पर एक बल काम करता है नीचे से, मतलब सयान माध्यम में ऊपर की ओर उस वस्तु पर एक बल काम करता है जिसके द्वारा वस्तु क्या हो जाती है, अवमंदित हो जाती है, ठीक है। तो इसके फलस्वरूप जो निष्कर्ष निकला कि जो इस वस्तु पर सयान माध्यम में वस्तु पर जो लगने वाला बल है वो बल निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। नंबर एक, एफ प्रोपोर्शनल टू एटा, अर्थात जो बल होता है, जो बल हुआ, बल सयान बल, सयान बल, सयान बल सयान माध्यम के सयानता, सयान माध्यम जैसे द्रव तथा गैस, सयान माध्यम हमारा द्रव भी हो सकता है, गैस हो सकता है, सयान माध्यम के सयानता गुणांक पर निर्भर करता है। सयान बल सयान माध्यम जैसे द्रव और तथा गैस है की माध्यम की संहिता गुणांक पर निर्भर करता, अर्थात एफ प्रोपोर्शनल टू एटा। दूसरा जो है, दूसरा किस पर निर्भर करेगा, दूसरा जो छोटी गोलाकार वस्तु है, स्टोक्स ने छोटी गोलाकार वस्तुओं को सयान माध्यम में गति कराने के बाद निष्कर्ष निकाला कि जो आर त्रिज्या का जो गोला है उसकी त्रिज्या पर जो छोटी गोलाकार वस्तु है, जो सयान बल है, सयान बल गोलाकार छोटी गोलाकार वस्तुओं की त्रिज्या पर निर्भर
प्रकट करता है, करता है अर्थात एफ प्रोपोर्शनल टू किसके, आर के। और तीसरी चीज होती है बच्चों, तीसरा किस पे डिपेंड करता है कि संयान जो वस्तु है, वस्तु पर जो बल काम कर रहा है, संयान माध्यम में जो बल काम कर रहा है वो किस पर डिपेंड करता है, उसके वेग पर, वस्तु के किस वेग से वस्तु आ रही है। ठीक है, तो संयान बल तीसरा है, संयान बल वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, अर्थात एफ प्रोपोर्शनल टू इसके वी की। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि स्टोक्स ने अपना जो प्रयोग निकाला, अपना प्रयोग सिद्ध किया, उन्होंने छोटी गोलाकार वस्तुओं को जब संयान माध्यम में गति कराई, छोटी गोलाकार वस्तुओं की संयान माध्यम में गति कराई, और गति कराने के फलस्वरूप उन्होंने ये पाया कि जो संयान बल काम कर रहा है, संयान बल उस संयान माध्यम के संयंत्र गुणांक पर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जो गोलाकार वस्तु है उसकी त्रिज्या के जो बल है उस गोलाकार वस्तु की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा जो बल है संयान बल है वो संयान बल उस वस्तु की वेग पर क्या करता है के अनुक्रमानुपाती होता है। तो फाइनली ये निकला, फाइनली जो निकाला गया स्टोक्स के द्वारा, उन्होंने कहा कि जो एफ है, जो एफ फाइनली हम कह सकते हैं एफ प्रोपोर्शनल टू किसके, एटा के, आर के और वी के, जो संयान बल होता है, ठीक है, वो संयान बल किस पर निर्भर करता है, संयंत्र गुणांक पर, गोलाकार वस्तु की त्रिज्या पर और गोलाकार वस्तु के वेग पर, कि किस वेग से उसको संयान माध्यम में गति कराई जा रही है उस पर निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू के, एफ इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा के एटा आर वी। अब चूंकि प्रयोगों के द्वारा इस दवा की जो के की वैल्यू है वो के की वैल्यू होती 6 पाई, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू 6 पाई एटा आर वी। तो यही जो है स्टोक्स का क्या है, नियम है, और यही स्टोक्स का क्या है, सूत्र है। तो बच्चों इस सूत्र को सिद्ध करने के लिए, ये इस सूत्र को सिद्ध करने के लिए हम विमीय विश्लेषण के आधार पर, विमीय विधि के आधार पर इस स्टोक्स के सूत्र की क्या करते हैं, गणना करते हैं। तो हम देखते हैं बच्चों विमीय विधि के द्वारा, विमीय विश्लेषण, विमीय विश्लेषण, विश्लेषण, विमीय विश्लेषण के आधार पर सूत्र का निगमन, सूत्र का निगमन। अब विमीय विश्लेषण के आधार पर हम सूत्र का निगमन किस प्रकार से करेंगे, तो बच्चों आप जैसा कि मैंने आपको बीमाओं में पढ़ाया है कि बीमाओं में पढ़ाया है कि जो एफ है ये स्टोक्स बल है, ये एफ किसके, एफ प्रोपोर्शनल टू एटा आर और वी। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ बराबर के एटा आर और वी। अब चूंकि जो है के है बीमाहीन, के क्या है, केवल बीमाहीन राशि है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब हम देखेंगे बच्चों, हम इसको जो है, चूंकि हम जानते हैं विमीय विश्लेषण के आधार पर हम जो है सूत्र का निगमन कर रहे हैं, तो एफ की बीमा आप जानते हैं एम एल टी माइनस टू, इसको हमने लिखा। अब यदि हम इसको जो है, ठीक है, या हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू, अभी देखिएगा, एटा की पावर यदि हम ए बोल देते हैं, आर की पावर बी बोल देते हैं, और वी की पावर क्या बोलते हैं, सी कहते हैं। तो इस तरीके से हम जो है बीमा लिख देते हैं इसकी बल की, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, ये आप जानते हैं। एटा की बीमा मैंने आपको निकाल के लिखा है कि एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ठीक है, इसकी पावर क्या हो जाएगी ए। और आर क्योंकि आप जानते हैं आर क्या होता है, आर जो है डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम किससे मेजर करते हैं, एल से, ठीक हो गया।
और तीसरी चीज हमारे पास है वेग है, और वेग की विमा आप जानते हैं एलटी माइनस वन, ये भी आप जानते हैं, इसकी पावर हो जाएगी सी। तो बच्चों इस तरीके से जो है हम इसको देखिए, ये हम इस पे क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, m की घात यहाँ पे l है, l की घात 1 है, सॉरी m की घात 1, l की घात 1, t की घात माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों m की घात क्या हो जाएगी, a, ठीक है। अब यहां पे देखिए l की घात v है, l की घात क्या है c है, और l की घात क्या है माइनस सी। तो जब बे समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है, तो l की हो जाएगी घात माइनस ए प्लस बी और प्लस सी, ठीक हो गया। और ठीक इसी प्रकार से टी की वैल्यू, टी की घात देखेंगे आप, टी की घात माइनस ए और यहां पे नहीं है टी और यहां पे है, तो ये हो जाएगा टी की घात माइनस ए और टी की घात माइनस सी। तो ये इस तरीके से जो है हमारा जो है ये हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन घातों की तुलना करेंगे। यहां पर देखिए आप एम की घात ए है, ठीक है, घातों की दाएं तथा बाएं ओर घातों की तुलना करने पर, ये तुलना हमने करी, तुलना करने पर ये तुलना करी, तो तुलना करने के फलस्वरूप हमने क्या देखा, यहां पे हम जो है इसको मैं मिटा रहा हूं, तो इस पे बच्चों हम देखेंगे यदि हमने घातों की तुलना करी, तो घातों की तुलना करने पर m की घात a है, a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। दूसरा जो है l की घात जो है यहां पे 1 है, और यहां पे देखिए l की घात माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आपका 1, और ठीक की वैल्यू हमारी है माइनस ए माइनस सी, ये हो जाएगा माइनस 2। तो आप देखेंगे ए की घात क्या है 1 है, तो ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 से ए की वैल्यू कहां रखेंगे, समीकरण 3 में रखते हैं, समीकरण 1 से ए का मान, ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये मान वैल्यू हमने रखी, तो बच्चों ये आप देखेंगे ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी, ए की वैल्यू है 1, तो हमने रखा माइनस 1 माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 2, तो सी माइनस सी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 और प्लस 1 अर्थात माइनस 1, तो माइनस और माइनस दोनों साइड माइनस है, ठीक है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सी बराबर क्या हो जाएगा 1, सी की वैल्यू क्या आ रही 1, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। अब हमें जो है किसकी वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, तो ए तथा सी का मान, ए तथा सी का मान समीकरण 1 में, सॉरी समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, अब आप देख रहे हैं ए की वैल्यू भी हमें प्राप्त होगी, सी की वैल्यू भी हमें प्राप्त होगी, अब हमें बी की वैल्यू प्राप्त चाहिए, तो बी की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमें जो है ए और सी की वैल्यू हमने कहां रख दी, समीकरण नंबर 2 में रख दी, तो ए का मान है माइनस 1 प्लस बी की वैल्यू हमें निकालनी है, और सी की वैल्यू हमारे पास 1 है बराबर जो है क्या हो जाएगा 1, तो देखिए ये प्लस 1 है ये माइनस 1 है कैंसिल, बी की वैल्यू क्या होगी 1। तो देखिए बच्चों हमने जो है तीनों वैल्यू निकाली, ए की भी निकाली, बी की भी निकाली, सी की वैल्यू, अब हम लिखते हैं ए बी तथा सी का मान कहां पर रखने, यहां पे हमने जो है कहां पर रख दिया, ये सूत्र में रखने पर का मान इसमें रखा, ये इसको हम जो है बाय द वे इसको समीकरण 1 बोल सकते हैं आप इसको, ये ठीक है, तो ये समीकरण जो है आपकी जो है समीकरण 1 भी कह सकते हैं, या समीकरण 1 में आप जो है इसको रख देंगे इस सूत्र में, इस ए बी तथा सी का मान रखने पर, रखने पर तो यहां वैल्यू हमने रखी, तो वैल्यू रखने पर हम प्राप्त करते हैं, यहां पर देखिएगा, तो
एफ इज इक्वल टू हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एटा की वैल्यू है हम एक, एटा की वैल्यू हमारे पास तो वन, आर की वैल्यू वन और वी की वैल्यू वन, ठीक है। तो ये हमारा जो है वैल्यू आ गई और के जो है ये हमारा सूत्र आ गया। और यहां पे जो सूत्र था हमारा के था, तो के की वैल्यू हमने बताया था बच्चों के बराबर क्या था, सिक्स पाई। तो हमारे जो सूत्र निकल गया एफ इज इक्वल टू सिक्स पाई एटा आर इंटू बी। तो बच्चों यही जो है स्टोक्स का नियम है। और स्टोक्स ने, मैंने आपको बताया था कि स्टोक्स ने सयान माध्यम में जब छोटी गोलाकार वस्तुओं को गति कराई थी और गति करने के फलस्वरूप एक उन्होंने कहा था कि उस वस्तु पर जब गति कराने पर उस वस्तु पर एक बल काम करता है, वो बल होता है एफ बराबर सिक्स पाई एटा आर बी। तो अर्थात उन्होंने जो है सयनता गुणांक, जिस सयान माध्यम का सयनता गुणांक आर होगा, ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या होगी, जो है त्रिज्या आर और बे क्या है उसका वी है, तो उस हिसाब से जो वहां पर जो उस वस्तु पर बल काम करेगा वो बल काम करेगा सिक्स पाई एटा आर बी। अब इसमें देखने वाली बात है कि ये इस सूत्र के आधार पर स्टोक्स ने क्या क्या व्याख्याएं करी। स्टोक्स ने कहा कि जिस गोली को, जिन वस्तुओं को हम सयान माध्यम में गिरा रहे, वो हम कैसे होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए और गोलाकार होनी चाहिए, ठीक है। बड़ी वस्तुओं पर ये काम नहीं करेगा, छोटी वस्तुओं को, छोटी गोलाकार वस्तुओं को जब सयान माध्यम में गिराएंगे तो इसलिए बल वहां पर काम करेगा, ठीक है। दूसरा, सयान जो जो छोटी गोली है, दूसरी कंडीशन क्या है कि जो गोली है वो छोटी हो, दृढ़ हो तथा उसके संपर्क पृष्ठों पर घर्षण क्या हो, घर्षण रहित हो, ठीक है। तीसरी चीज है कि जो उसका वेग हो, जिस वेग से वो आ रहा हो उसमें जो है उसका वेग जो है क्रांतिक वेग से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। जिस माध्यम में, जिस सयान माध्यम में वो फेंका जा रहा है, उस सयान माध्यम का वेग क्या होना चाहिए, उस गोलाकार गेंद को, जिसको हम जो है, जिस वस्तु को हम पानी में गिरा रहे हैं, उसका वेग क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और माध्यम कैसा होना चाहिए, सयान माध्यम होना चाहिए, समांगी माध्यम होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों इस आधार पर हम जो है क्या निकाल सकते हैं, इस स्टोक्स के नियम के आधार पर हम जो है सयनता गुणांक का की भी बीमा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सयनता गुणांक की जो बीमा हो जाएगी बच्चों, तो ये हो जाएगी, आप जानते हैं f इज इक्वल टू सिक्स पाई एटा आर वी। इसलिए एटा बराबर हो जाएगा हमारा f अपॉन आर वी। तो बल की बीमा आप जानती हैं एम एल टी माइनस टू हो, ठीक है, और r की बीमा l, अभी की बीमा एल टी माइनस टू, एल टी माइनस वन, सॉरी, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों एम एल माइनस वन टी माइनस टू टी माइनस वन। तो बच्चों ये बीमा मैंने आपको पहले भी निकाल के दिखाई है, ठीक है, कि स्टोक्स ने कहा कि जब एटा सयनता गुणांक वाले सयान माध्यम में जब आठ त्रिज्या की गेंद को गिराया जाता है, वी वेग से गिराया जाता है, तो गिराने के फलस्वरूप उस सयान माध्यम में उस गेंद पर, उस छोटी वस्तु पर एक बल काम करता है, उस बल को हम कहते हैं सयान बल। और उस सयान बल की जो के लिए जो सूत्र होता है वो होता है पाई एफ इज इक्वल टू सिक्स पाई एटा आर बी। अर्थात उस गेंद वस्तु पर लगने वाला सयान माध्यम में जब उस गेंद को, उस वस्तु को, गोलाकार वस्तु को गिराया जाता है, तो वो किस पर निर्भर करती है, उस माध्यम, उस सयान माध्यम के सयनता गुणांक पर निर्भर करती है, उस गोलाकार वस्तु की त्रिज्या पर निर्भर करती है, उस गोलाकार वस्तु के वेग पर निर्भर करती है। तो बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके समझ में ये आया होगा और आप इसको समझने में सक्षम होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।